उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सिविल हॉस्पिटल के निदेशक और बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज ऐसे महापुरुष की जयंती है जिनका मात्र नाम लेने से हर भारतवासी के शरीर में देशभक्ति का जोश आ जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाकर भाजपा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया। आज 6 जुलाई देश के एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती है जिनका नाम लेने मात्र से हर भारतवासी के शरीर में देशभक्ति का जोश अपने आप पैदा हो जाता है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें स्मरण करके जहां उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं, वहीं जब आप इस बार जन्म जयंती का कार्यक्रम डॉक्टर साहब का हो रहा है, उस समय जिसके लिए उनका बलिदान हो गया था, जिस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए धारा 370 और 35 ए को हटाने के लिए एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा नारा लगाने का जो काम किया था, आज वह धारा 370 दो प्रकार के ध्वज दो निशान और अब एक ही संविधान भारत का संविधान, जिस संविधान सभा के आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी सदस्य थे, आज वह शुभ समय आया है कि हम उनको जब याद कर रहे हैं तो धारा 370 विदा हो चुकी है। मैं आज के दिन बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ सभी देशभक्तों को, देशवासियों को, पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को। मैं आज जन्म जयंती के अवसर पर वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने विकास दुबे पर बोलते हुए कहा कि कानपुर की घटना बहुत दुखद है। इस प्रकार के अपराधी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे गैंग का कोई भी मेंबर बचेगा नहीं। जल्द से जल्द यूपी पुलिस विकास दुबे को जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। बना हुआ आपकी पुलिस के लिए और अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं है, कब तक सर? देखिए, आप एकदम भरोसा रखिए कि अगर वो पाताल में भी घुस गया होगा तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पाताल से भी निकाल करके बाहर लाएगी। यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घट गई है कानपुर में, उससे हम सब लोग चिंतित भी हैं और इस प्रकार के अपराधी कैसे बचे रहे, किन के कारण बचे रहे, वह सब भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन विकास दुबे हों या उस गुंडे के गैंग के कोई भी सदस्य हों, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा, वो बहुत देर तक छिपा नहीं रह पाएगा, वो जहां भी होगा उसे खोज निकाला जाएगा और उसने जो अपराध किया उसकी सजा कठोर से कठोर कानून के दायरे में जरूर से जरूर मिलेगी, इतना भरोसा दिलाता है। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा। पंजाब केसरी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।